flexion. Snags. Snags apply करते हैं कि कैसे decide होगा कि हमें कौन से वाली vertebra को glide देनी है. Problem for example, आपके पास patient आया है और हमने ये कहा कि हम C3 से लेकर C7 तक जो snags apply कर सकते हैं, ठीक है? Problem आपको लग गया C4, C5 के पर है, तो कैसे decide होगा कि हमें C4 को glide देनी है, C5 को glide देनी है, ठीक है? हमने इसका concept समझने के लिए एक हम ये बना लेते हैं. For example, ये C5 है और इसके ऊपर जो facet joint पड़ा हुआ है ये C4 है. ये basically facets हैं, ठीक है? Facet के ऊपर facet है. हम ये चाहते हैं कि हम C4 के ऊपर C5 को glide दें, हम C4 को glide देते हैं. ये वाली मोमेंट है, ठीक है? जैसे ही फ्लेक्शन इंसान फ्लेक्स करता है तो सबसे पहले C3 ग्लाइड होगा, C3 पर आगे जाएगा, फिर C4 आगे जाएगा, फिर C5 आगे जाएगा, फिर C6 आगे जाएगा. ऐसे ही होगा. अगर पीछे एक्सटेंशन हो रही है तो C4 पहले पीछे आएगा, C5 पीछे आएगा, C6 पीछे आएगा, ऐसे ऐसे करके वो 10-10 डिग्री मूवमेंट फिजियोलॉजिकल मूवमेंट अप्लाई करेंगे. जैसे ये है, अगर C4 है उसके ऊपर C5 उसके ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं फ्लेक्शन करना चाहता हूँ तो पहले C4 ग्लाइड करेगा, फिर C5 ग्लाइड करेगा, फिर मुझे C6 ग्लाइड करेगा, मेरी पूरी फ्लेक्शन हो जाएगी. अगर मैं एक्सटेंशन करना चाहता हूँ तो ऊपर से आना शुरू होगा, पहले C2 पीछे आएगा, फिर C3 पीछे आएगा, C4, C5, C6 ऐसे आएगा. तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट ये है. अगर ये फ्लेक्शन कर रहा है पेशेंट, फ्लेक्शन करते हुए अगर मैं ये C4 है और उसके नीचे C5 है, फ्लेक्स करो, ये फ्लेक्स करेगा तो पहले मैं C4 ग्लाइड करेगा जितनी इसकी लिमिट है, फिर उसके नीचे C5 ग्लाइड करेगा, उसके नीचे फिर C6 ग्लाइड करेगा. अब प्रॉब्लम ये है कि फ्लेक्शन करते हुए पेन आ रही है और हमें पता है कि C4 C5 प्रॉब्लमेटिक है. इसका मतलब ये है कि जो C4 जो है C5 के ऊपर ग्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है, लॉक हो गया. तो हमने क्या करना है, C4 को एंटीरियरली ग्लाइड करना है. C4 को मैंने क्या करना है, स्पाइनस प्रोसेस को पकड़ के उसको ग्लाइड कर देना और पेशेंट से कहना कि अब वो ग्लाइड करे. जैसे ही वो ग्लाइड करेगा C4 उसके प्रॉपर ग्लाइड करेगा और C5 जो है उसके बाद ग्लाइड करना शुरू करेगा. क्लियर है ये बात?